श्रोताओ नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। पिछले दिनों एक किताब पढ़ने को मिली, तिनका तिनका मध्य प्रदेश। दरअसल तिनका तिनका के बारे में हमने पहले भी चर्चाएं की हैं, इसलिए बड़ी उत्सुकता से उस किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। एक पन्ने पर आकर कुछ चंद पंक्तियों पर निगाह टिक गई। जेल में बंद माँ के आंचल को पकड़कर वो अपने हाथों की मटमैली लकीरों को रोज टटोलते हैं। समय हाथों की लकीरों को उकेरते वक्त शायद बचपन के खांचे को बनाना ही भूल गया। जेल के चार दीवारी के पीछे का बचपन कैसा होता होगा, पहले हमने शायद कभी सोचा ही ना हो, लेकिन वो जीवन किस तरह का हो सकता है, ये कल्पना करते ही हमें एक अपनी संवेदनाओं की गहराई में उतरकर कहीं कुछ पीड़ा होती है, कहीं कुछ बेचैनी होती है, हमें लगता है कि ऐसा क्यों है और क्यों हो रहा है ऐसा। इसी उद्देश्य से और इन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ी और समझ हम पैदा कर सकें अपने अंदर, अपनी संवेदनाओं को जगा सकें उन चीज़ों के लिए, यानी वो महिलाएं, वो बच्चे जो जेल की चारदीवारी के अंदर हैं, और वो बच्चे जो जिनका दोष तो कोई नहीं पर फिर भी उन्हें वहीं रहना है, उन सिंचों के भीतर ही। तो इसलिए हमने कोशिश की कि आइए हम जेलों को लेकर ही बात करें, जेलों में बंद जिंदगी को लेकर बात करें, और उसमें से जिंदगी के कुछ नए आयाम ढूंढने की कोशिश करें। और इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में, यानी एक मुलाकात में, हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर वर्तिका नंदा जी को। डॉक्टर वर्तिका नंदा दरअसल जेल सुधारक के रूप में बहुत ही प्रख्यात हैं, वैसे वो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और शिक्षक भी हैं। लेडी श्रीराम कॉलेज में दिल्ली में ही पत्रकारिता विभाग की आप प्रमुख भी हैं, IIMC दिल्ली में भी आप पढ़ाती रही हैं, लेकिन और बहुत कुछ है जो उनके बारे में जानने की आवश्यकता होगी और हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप सबकी तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वर्तिका नंदा नमस्कार, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। तिनका तिनका आपने जाहिर सी बात है एक शुरुआत की थी, और छोटी सी शुरुआत, लेकिन आपके अंदर की जो बेचैनी थी वो मुझे लगता है बहुत बड़ी थी, और इसीलिए जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ता गया वैसे वैसे विस्तार भी उसको मिला, और वैसे वैसे मुझे लगता है कि आपकी बेचैनी भी और बढ़ती गई, क्योंकि जितना आप जेलों में जाती हैं, जितना आप जेल में जाकर वहाँ के बच्चों से, वहाँ के औरतों से, लोगों से बातचीत करती हैं, आपको लगता है अभी बहुत कम है, चीज़ें हुई हैं, बहुत ज़्यादा करना है जी, और इसीलिए आज हम वहाँ की औरतों और बच्चों की ज़िंदगी को लेकर थोड़ी खास तौर पर बात करेंगे वर्तिका जी। जी जी, क्योंकि जेल के बाहर रहते हुए हम चीज़ों को इतनी गहराई से महसूस नहीं कर पाते। जी जी, आपने पहला कदम जब जेल के अंदर रखा तो क्यों रखा था? मैं उस समय NDTV में क्राइम बीट कवर करती थी, और उस समय एक खबर थी जिसे कवर करने के लिए हम अंदर गए थे। उसके बाद कुछ एक और अलग अलग मौक़ों पर तिहाड़ जेल देखने का मुझे मौका मिला। एक पत्रकार के तौर पर दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ को कई बार करीब से देखने का मौका मिला, कई स्टोरीज वहाँ पर की, और हर बार लौटने पर लगा कि 60 सेकंड की एक स्टोरी करके हम अपनी बात को पूरी तरह से कह ही नहीं पाए। हमने बस जेल को दिखा दिया लेकिन जेल को समझा नहीं। और फिर अपराध के अलग अलग पक्षों को देखते हुए भी मुझे लगा कि जेल के मुख्य दरवाजे के बाहर आकर अक्सर कैमरा जो है वो ठिटक जाता है, लेकिन ज़िंदगी उसके आगे और बढ़ती है, नए सिरे से बढ़ती है। मैं उस नए सिरे को देखना चाहती थी, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर। तो मैंने उस इंसानी यात्रा को शुरू किया, और फिर होते होते तिनका तिनका को गढ़ा। जब नाम रख रही थी तो सोचा कि ऐसा कौन सा नाम रखूं जो सुनने में और देखने में मामूली भी लगे लेकिन वो ज़रूरी भी हो, तो तिनका तिनका नाम रखा। और उसके बाद फिर जेलों को मैं बार बार देखने लगी। शुरुआत ये तिनका तिनका तिहाड़ से हुई। बिल्कुल, और ये सफर जो है वो लगातार आगे बढ़ता। बिल्कुल बिल्कुल, तिहाड़ जेल को जब करीब से देखती गई तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो महिला बंदी हैं उन्हें जेल नंबर 6 में रखा जाता है, वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं। और विमला मेहरा उस समय DG थी, उन्होंने मुझे परमिशन दी, और मैं बार बार जेल के अंदर जाने लगी, और मैं महिलाओं को मिलने लगी, उनके बच्चों से मिलने लगी, और पूछने लगी कि आप क्या कर सकती हैं, क्या करना चाहती हैं। पापड़, वड़ियाँ, अगरबत्ती बनाने के अलावा इन महिलाओं के अंदर ऐसा बहुत कुछ था जिसे समझने भर की बस ज़रूरत थी। पर वर्तिका जी, इसमें बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी भी होंगी जो बहुत शिक्षित भी होंगी, पर उन्हें भी उसी तरह के एक ही तरह के काम में लगाया जाता है। पूरी देश में करीब करीब 18,000 महिलाएं हैं जो जेलों के अंदर हैं, और सबका शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सर में बहुत सारी वेरिएशन है। अच्छा। लेकिन जेलें जो हैं असल में एक सेट पैटर्न से चलती हैं, तो अगर उनके पास कुछ एक वोकेशनल प्रोग्राम्स पहले से हैं उसी के आधार पर जेल आगे चलती है। असल में जेलों में बाहर से ज़्यादा कुछ नहीं आता। जेल में ना मोची बाहर से आता है, ना हज्जाम आता है, ना रसोईया बाहर से आता है, ना कोई ऐसा जो सफाई करेगा, सब कुछ जेल के अंदर होता है। जेलें अपने आप को संचालित खुद करती हैं, जेलें अपने आप जीती हैं, जेलें अपने आप गढ़ती हैं। तो अगर वहाँ कोई एक वोकेशनल कोर्स है या कुछ कोर्सेज चल रहे हैं तो चाहे शिक्षित आए या अशिक्षित, आम तौर पर उसी ढर्रे पर चीज़ें चलने लगती हैं। और मुझे लगा ये भी मेरे एक शोध का विषय होना चाहिए कि जिनका शैक्षिक स्तर ऊपर है
क्या उनके लिए हम कुछ अलग कर सकते हैं। इसी तरह कई ऐसी महिलाएं मुझे बार बार मिली जो जब जेल के अंदर आई अशिक्षित थी, जेल ने उन्हें शिक्षित बना दिया। किसी ने 12वीं पास कर ली, किसी ने एमए कर ली, किसी ने बीए कर ली, किसी ने कुछ और सीख लिया। वहीं जेल में रहते हुए पढ़ने लगी। कभी कभी जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि भाई तुम्हें तो कलम उठानी आती नहीं थी, ये समय है, चलो अब तुम कलम उठा लो। सुपरिटेंडेंट का जो संस्कार है या जेलर का जो संस्कार है उसका जेल के संस्कार पर बहुत असर पड़ता है। अगर चाहता है अधिकारी कि सारी जेल लिखे तो जेल लिखेगी, अगर अधिकारी चाहता है सारी जेल गाए तो सारी जेल गाती। मुझे तो ये लगता है कि वहाँ सचमुच सेवा का इतना बड़ा मौका है, बिल्कुल, उसको अगर वो काम की तरह नहीं बल्कि सेवा की तरह अगर लेते हैं, बिल्कुल, तो बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। असल में मुझे हर रोज लगता है जेल ही मेरा संसार है। इस संसार में इतना सारा काम करने के लिए है कि हर रोज इतनी सारी कमियां रह जाती हैं और मुझे खुद लगता है कि खराश से रह गई। जैसे आपने महिलाओं और बच्चों की बात की, अब तिहाड़ की जेल नंबर 6 में जब हमने काम करना शुरू किया था तो हमने 4 महिलाओं को फाइनली ढूंढा जो कि कविताएं लिखेंगी। अच्छा। और आप देखिए कि उन्होंने इतना सुंदर कविताओं पर काम किया, तिनका तिनका तिहाड़ रचा गया, उसे देश के गृह मंत्री ने, आपका कॉन्फ्रेंस इसे भारत पहली बार होस्ट कर रहा था, उसकी शुरुआत तिनका तिनका तिहाड़ से हुई और वो उन 4 कवियत्रियों की किताब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुई। और जो गाना था उसे बाद में लोकसभा स्पीकर ने अपने कक्ष में लोकसभा में उसे रिलीज किया। एक छोटी सी कोशिश और उन महिलाओं की जिंदगी में आए हुए बदलाव आज इतने साल बाद भी मैं महसूस कर रही हूँ। वर्तिका जी, आपने उस गाने की बात की तिनका तिनका तिहाड़, और मुझे याद आया, बल्कि इस तब भी हमने इस बात के बारे में FM रेनबो पर अपने कार्यक्रमों में चर्चा की थी। मेरा ख्याल है इसमें जो आवाजें हैं जिन्होंने गाया है और जो संगीत संयोजन है वो सब वहाँ के इनमेट्स का ही है, वहाँ के कैदियों का है। बिल्कुल, और जो उन्होंने कपड़े भी पहने हैं वो सब वहीं पर से ले गए थे। उन्होंने मेकअप अपना एक दूसरे खुद किया। अच्छा। पूरा जो संयोजन था वो वाकई उनका था। उन्होंने धुन बनाई, बार बार साथ एक साथ बैठे और धुन पर काम किया, धुन उन्होंने बनाई, गाना मैंने लिखा था, लेकिन ताकत उनकी है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट आपका था, आपने इसको डायरेक्ट किया, पूरा जो वीडियोग्राफी हुई और गीत भी आपने लिखा। लेकिन अब मुझे लगता है इतनी सारी बातें हमने तिनका तिनका तिहाड़ गीत के बारे में की, हमारे श्रोताओं को उत्सुकता ये हो रही होगी कि आखिर वो कैसा गीत होगा। जी, अब मुझे लगता है सुनवा देना चाहिए। जी बिल्कुल, कई बार मुझे बार बार लोगों ने कहा कि क्या ये बंदी हैं। मुझे कई पुलिस अधिकारियों ने पूछा क्या ये वाकई बंदी हैं, ये तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट लगते हैं। और मैं ये कहती हूँ आर्टिस्ट भी तो बंदी हो सकता है। सच बात है। आइए फिलहाल इतनी सुंदर जो एल्बम है, गीत है आपका, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया, और ये पहली बार था शायद किसी जेल में किसी ऐसे एल्बम की शूटिंग भी हुई थी। बिल्कुल, क्योंकि जेल में तो ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल संभव नहीं है। और इसमें हमने कई प्रयोग किए, जैसे एक प्रयोग ये था कि पुरुष और महिला एक साथ आए, एक ही मंच पर उन्होंने गाया, और मैं बता नहीं सकती उस दिन जो उनके चेहरों पर खुशी थी कि आज हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे शायद दुनिया देखेगी, उस खुशी ने मेरे संसार को भर दिया। आइए फिलहाल इस गीत को हम श्रोताओं के साथ साझा करते हैं और उन्हें भी सुनवाते हैं और फिर लौट कर आते हैं एक मुलाकात में। बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं, गंभीर बातें हैं, चर्चाएं हैं जो मुझे लगता है कि हर इंसान को जानना जरूरी है, तभी हमारे अंदर एक ऐसी सकारात्मक सोच पैदा होगी जो हम जेल की चारदीवारी के अंदर की जिंदगी के बारे में सोचते हैं। तो सुनते हैं तिनका तिनका तिहाड़। तिनका तिहाड़ है, तिनके का इतिहास है, तिनके का एहसास है, तिनके में भी आस है। हाय ये तिहाड़ है, हाय ये तिहाड़ है, सबका तिहाड़ है, हाय ये तिहाड़ है। सपने यहाँ भी खिलते हैं, खिलते हैं, खिलते हैं, खुशियाँ यहाँ भी पलती हैं, पलती हैं, पलती हैं, सपने यहाँ भी खिलते हैं, खिलते हैं, खिलते हैं, खुशियाँ यहाँ भी पलती हैं, पलती हैं, पलती हैं। गर्म हवा में घुलता है शब्द मन में जुड़ता है, गर्म हवा में घुलता है शब्द मन में जुड़ता है। हाँ ये तिहाड़ है,
ये तिहाड़ है, सबका तिहाड़ है, हाँ ये तिहाड़ है। का छोर नहीं गहरा सागर और नहीं, और नहीं, नहीं। आसमान का छोर नहीं गहरा सागर और नहीं, और नहीं, और नहीं। तब भी डोर में सांस है जिसमें इतना ताप है, डोर में सांस है जिसमें इतना ताप है, हाँ ये तिहाड़ है, हाँ ये तिहाड़ है, सबका तिहाड़ है, हाँ ये तिहाड़ है। कितनी बार है उजास की इतनी प्यास, इतनी प्यास मन में आया कितनी बार है उजास की इतनी प्यास नई सुबह का है आगाज, सूरज की है कोई था, नई सुबह का है आगाज, सूरज की है कोई था, हाँ ये तिहाड़ है, हाँ ये तिहाड़ है, सबका तिहाड़ है, हाँ ये तिहाड़ है। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप श्रोताओं, एक मुलाकात, और आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर वर्तिका नंदा जी से हम बातचीत कर रहे हैं जेल में जिंदगी को लेकर। इंसान ही रहते हैं जाहिर सी बात है, लेकिन क्या वाकई इंसान जैसी जिंदगी वहाँ उनको नसीब होती है? जेलें इतनी बदनाम क्यों हैं? इसलिए कि वहाँ बहुत अमानवीय हालात में लोगों को रहना पड़ता है, और कानून के हिसाब से हम देखें, हमारी जो संवेदना है उसके हिसाब से देखें, संविधान के हिसाब से देखें, हर किसी को एक इंसान के रूप में जीने का, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। तो क्या जेलों में भी इस तरह की स्थिति है? वर्तिका जी, भारत में महिला बंदियों की संख्या जो आकलन बताते हैं, आंकड़े बताते हैं, लगभग 16,000 है, और उसमें विचाराधीन जो महिला कैदी हैं उनकी संख्या 12,000 है। बिल्कुल। मतलब अगर ये देखें तो सिर्फ 4,000 जो हैं वो सजायाफ्ता हैं और 12,000 जो है वो अंडर ट्रायल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे देश में, ये पुरुषों के साथ भी ऐसा ही है, अंडर ट्रायल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। करीब 80% बंदी जो जेल के अंदर हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं। और आप ये देखिए कि एक बड़ी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, कोई नहीं जानता जेल के अंदर का समय क्या होगा। जो जेल का रजिस्टर है वो ये तो बताता है कि अब उनके आने का समय हो गया, जाने का समय क्या होगा वो ठीक से नहीं मालूम होता। तो जो अंदर का जो समय है वो काटे अक्सर नहीं कटता, क्योंकि अक्सर परिवार अपने संबंधों को तोड़ लेते हैं, रिश्ते नाते टूटने लग जाते हैं। इनफैक्ट रिश्तों की जो सच्चाई हो जेल के अंदर जाने पर ही पता लगती है। तो वो जो समय है जब आपके सामने एक बहुत छोटा टुकड़ा है आसमान का, थोड़े सितारे आपको दिखाई देते हैं, उम्मीदें बहुत कम हैं, सूरज की रोशनी बहुत सोच कर आप तक पहुँच रही है, तब आप क्या करेंगे? और ये बहुत बड़ा सवाल है कि उस समय को भरने के लिए और ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए जेलें क्या दे पा रही हैं। आमतौर पर जेलें बहुत कुछ नहीं भी दे पाती हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो हम सुनते हैं एक साधारण आदमी और नागरिक के तौर पर, कि जेल मैनुअल होता है। बिल्कुल। और जेल मैनुअल के हिसाब से वहाँ के सारी गतिविधियों का संचालन होता है, तो ये क्या जेल मैनुअल हर जेल का अलग होता है या कुछ जेलों का या देश की जेलों का एक जैसा होता है? देखिए, भारत में जेलें जो हैं वो स्टेट का विषय हैं जी, और इसलिए हर राज्य अपने हिसाब से एक जेल मैनुअल पर काम करता है। और पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूनिफॉर्म तरीके से चल भी रही हैं, लेकिन कमी वहाँ आती है जब हम बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। जैसे कि इस समय सबसे ज़्यादा मेरी चिंता इस बात पर है कि महिलाएँ जहाँ पर बंद हैं
वहाँ पर प्लेग्राउंड आमतौर पर जेल में होता ही नहीं, उनकी खेलने की सुविधाएं बन ही नहीं पाती। अगर ग्राउंड है भी तो भी उनके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वो बैडमिंटन खेल सकें या फुटबॉल या बास्केटबॉल। की बात कर रही है, क्या पुरुषों के लिए वो सुविधा उपलब्ध है? जी, पुरुषों के तो ज्यादातर जेलों में क्रिकेट का टूर्नामेंट भी होगा। अच्छा। या बास्केटबॉल वो खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे। मैंने इतनी जेलें देखी हैं, ये तकरीबन आसानी से वहाँ पर उपलब्ध होता है। महिलाओं की जेल में जगह होगी भी तब भी ये खिचक रहेगी और ये रहेगी कि अच्छा क्या ज़रूरत है। अभी हाल में एक जेल अधिकारी मुझे मिले और उन्होंने जो बताया उससे मेरी आंखों में आंसू आ गए सुनकर कि उस जेल में एक छोटा सा दायरा है, सारी दीवारें सफ़ेद रंग की हैं, उस दायरे में वो किसी तरह से चलती हैं, उन्हें वॉक करने के लिए सैर करने के लिए जगह भी मुहैया नहीं है। सफ़ेद रंग को 24 घंटे देखने के कारण उनकी जो दृष्टि है वो बाधित होने लगी है, उन्हें अब कम दिखने लगा है, उन्हें विजन की प्रॉब्लम होने लगी है। और ये क्या दुखद नहीं है, क्योंकि उन्हें एक सज़ा मिलनी थी, वो सज़ा उन्हें समय ने और कानून ने दी, लेकिन अब जेल को उन्हें सज़ा नहीं देनी। जेल ने उन्हें रिहैबिलिटेशन, जेल ने उन्हें रिफॉर्मेशन, जेल ने उन्हें एक इंसान के तौर पर रहने की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो देने की जेल को कोशिश करनी चाहिए। तो अब हम तो ये क्या जेल मैनुअल में भी इन चीज़ों का उल्लेख है कि ये जेलों का दायित्व तो है कि वो इस ढंग से उन चीज़ों को करें उनके लिए? जी, ये उल्लेख तो है, लेकिन नियत जो है वो तो मैनुअल में नहीं लिखी जा सकती। तो कानून जो है वो इनमेट्स को भी या उन कैदियों को भी एक जो न्यूनतम अधिकार हो सकते हैं सम्मानजनक जीवन जीने के किसी इंसान को, वो उन्हें भी देता है? वो बिल्कुल देता है, कानून ये कहता है। लेकिन हमारे यहाँ एक तो भीड़ से भरी हुई जेलें हैं। जैसे अभी भी भारत के एक राज्य में एक ऐसी जेल है जहाँ पर बंदियों को सोने के लिए पूरी जगह मिल नहीं पाती, वो शिफ्ट में सोते हैं। अच्छा। रात में थोड़ी देर सोते हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं, फिर बाकी लोग सोते हैं। तो आप समझिए कि अगर जेलों के अंदर जगह ही कम है, भीड़ इतनी ज़्यादा है, लोग आ ज़्यादा रहे हैं, जा कम रहे हैं बाहर, तो फिर तो अपने आप उस कम जगह में बहुत सारी चीज़ें सिमट जाएंगी। मैं तो वर्तिका जी एक जगह पढ़ रहा था कि कुछ जेलों में इतनी ज़्यादा संख्या है महिला कैदियों की, या उनकी जगह इतनी कम है और संख्या उसके अनुपात में इतनी ज़्यादा है कि जेल की क्षमता से भी 400% ज़्यादा बिल्कुल कैदी वहाँ पर हैं या अंडर ट्रायल्स वहाँ पर हैं। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल है। और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये जो जेलें हैं, अब जैसे हाल में मैंने एक और जेल का दौरा किया और देखा 4 बैरक हैं, सामने एक छोटा मैदान था। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि क्या ये महिलाएं यहाँ खेल सकती हैं। अब उसमें एक तरह की हिचक थी और फिर ये था कि खेलने की क्या ज़रूरत है। मेरा मानना ये है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि जेल के अंदर तनाव है, दुख है, स्ट्रेस है, उसे कैसे तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए उसकी ज़रूरत है। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रयागराज की नैनी जेल अब वहाँ पर एक प्लेग्राउंड की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, वहाँ आप अभी हाल में ही वहाँ से होकर आई? बिल्कुल, मैं अभी वहाँ पर विजिट करके आई हूँ। हाँ। और ये अभी 4-5 दिन पहले की बात है। तो वहाँ हमने ये निवेदन किया था कि क्या ऐसा हो सकता है, और एक लंबे सेशन के बाद जेल अधिकारी इस बात को मान गए कि हाँ वहाँ पर एक खेलने का मैदान होगा जहाँ महिलाएं शुरुआती दौर में कम से कम बैडमिंटन खेल सकेंगी। लेकिन एक बात बताएं कि मुझे लगता है जेलों में चूंकि सीमित संसाधन होते हैं, ये बात तय है, और उन सीमित संसाधनों में क्या इस बात का प्रावधान है कि वो खेल के सामान खरीदें? या मान लीजिए हम लाइब्रेरी की बात करते हैं, आपने हम इस बात की भी चर्चा करेंगे खासतौर पर, किताबें खरीदें या उनके रिक्रिएशन के लिए कुछ चीज़ें मुहैया करा सके, इसके लिए बजट होता है? देखिए, बहुत मामूली ना के बराबर बजट होता है। हाँ। इस काम में अक्सर जेलें बाहर की दुनिया पर बहुत निर्भर करती हैं। और ये संभव है कि बाहर के लोग उसमें मदद कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं अगर चाहें तो। कैसे? आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा। हाँ। असल में जितनी भी पुरुषों की जेलें हैं उनमें आमतौर पर, खास तौर पर केंद्रीय कारागार जो हैं, वहाँ पर तो अक्सर आपको एक छोटी सी लाइब्रेरी दिख जाएगी। और कुछ एक संस्थाओं ने वहाँ पर वाकई दान किया, कुछ किताबें भिजवाई, वो मिली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे देश में ढूंढने पर भी बहुत मुश्किल से आपको कोई महिला की जेल मिलेगी जहाँ पर किताबें हैं, लाइब्रेरी है। महिलाओं को किताबों के लिए पुरुषों की लाइब्रेरी पर निर्भर होना पड़ता है, लेकिन महिलाएं वहाँ नहीं जा सकती। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था। वो सिर्फ प्रहरी से कह सकती हैं कि क्या मुझे कुछ किताब दिला दोगे, और कई बार महीनों वो किताब नहीं आती जो असल में एकदम 1 किलोमीटर या थोड़े से दायरे पर होती है, वो मिलती नहीं क्योंकि वो दायरा अलग है, वो पुरुषों की जेल है। नहीं, एक चीज बताएं वर्तिका जी मुझे, देखिए आपने शुरू में भी कहा कि वहाँ बहुत ऐसे इनमेट्स हैं, लड़कियां या औरतें हैं जो पढ़ी लिखी हैं या पढ़ लिख रही हैं, कोई आपने बताया कि PhD कर रहा है, कोई MA करना चाहता है, कोई BA करना चाहता है, कुछ भी, लेकिन क्या वहाँ रहते हुए उनको ये पुस्तकें या ये चीजें उपलब्ध हो पाती हैं कि वो इस तरह की पढ़ाई और तैयारी कर सकें? देखिए, पुरुषों की जेलों में अक्सर मिल जाती हैं, बड़ी जेलों में अक्सर मिल जाती हैं, स्पेशली जो केंद्रीय कारागार हैं या बड़े शहरों के कारागार हैं वो तो फिर भी बेहतर हैं। वो जेलों की तरफ से उपलब्ध
कराई जाती है जेल प्रशासन जेलों की जेल प्रशासन भी कई बार उपलब्ध कराता है। ये इस पर भी निर्भर करता है कि जेल अधिकारी का अपनी रुचि क्या है। असल में एक बात और जो हमें अक्सर ख्याल में रखनी चाहिए कि असल में जो जेल के अधिकारी हैं उनका भी एक लंबा समय जेल के अंदर गुजरता है। कारागार में सिर्फ बंदी नहीं है, कारागार में तो जेल अधिकारी भी है और पूरा स्टाफ जो है पूरा स्टाफ है। तो अगर किताबें होती हैं तो सिर्फ उन्हीं का उत्थान नहीं होगा, इनका भी होगा। तो कई बार प्रशासनिक अधिकारियों की रुचि होती है, किताबें आने लगती हैं और लोग पढ़ने लगते हैं, लेकिन छोटी जेलें तो उससे भी अछूती रह जाती हैं क्योंकि वहाँ पर ना संस्थाएं पहुँचती हैं, ना इच्छाएं पहुँचती हैं, ना आवाज़ें पहुँचती हैं, सब कुछ दूर हैं। तो अभी हम ये चाह रहे हैं कि जैसे एक तिनका तिनका लाइब्रेरी बना दें। अच्छा। हम अभी एक जेल में कोशिश भी कर रहे हैं, वहाँ पर कमरा भी चेतय हो गया है, अब कुछ किताबें भिजवाने की और कुछ पत्रिकाएं भिजवाने भर की देर है। कई बार महिलाएं बताती हैं हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे जेल में आने से पहले, या मैं तो एमए कर रही थी या मेरा बीए का एग्जाम था, यहाँ आने के बाद तो मुझे कुछ मिल नहीं पाता। मुझे ये बताते हुए भी दुख होता है, कई बार जेलों में जाकर जब मैं महिलाओं से पूछती हूँ कि ये बताओ भारत के राष्ट्रपति कौन है, या ये बताओ तुम्हारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, बहुत बुनियादी बातें भी उन्हें अक्सर पता नहीं होती। उन्हें वो पता होता जब वो जेल में आई थी। नहीं, लेकिन एक बात है कि क्योंकि उनके पास पढ़ने लिखने का कोई माध्यम नहीं है, वहाँ टेलीविजन होता नहीं है, वहाँ रेडियो भी मेरे ख्याल उपलब्ध नहीं हो पाता है, अलाउड नहीं है, और अखबार पहुँचते हैं उनके पास। अब देखिए इसमें ये बड़ी ताज्जुब की बात यहाँ भी है, बहुत सीमित अखबारें पहुँचती हैं। जैसे मैंने एक जेल में देखा जहाँ पर करीब करीब 320 महिला बंदी हैं, दो अखबारें आती हैं। अच्छा। अब वो दो अखबारें भी ऐसा नहीं कि सुबह सुबह जैसे हम अपने घरों में चाय की चुस्की के साथ हमें अखबार मिलती है, जेल को तो अखबार भी बड़ी देर से मिलती है, और अखबार जब तक बंदियों तक पहुँचती है वो सब बंदियों तक पहुँच ही नहीं पाती, वो घूमती हुई अखबार पहुँचती है और चिंदी चिंदी हो जाती है शाम तक। और आप समझ सकते हैं कि इसीलिए वो फ्रोजन मेमोरीज में कई बार महिलाएँ रहने लगती हैं। उन्हें लगता है जब वो आई थी 5 साल पहले जो सरकार थी शायद वैसा ही है, या जब 8 साल पहले उनके गाँव की जो स्थिति थी वही है। ऐसा नहीं होता, चीज़ें बदल गई हैं, बदल रही हैं। तो कई बार जब घर के लोग आते हैं, कोई संदेशा लाते हैं, कुछ मिठाई का एक टुकड़ा लाता है, साथ में कोई बता भी देता है कि अच्छा ये चीज़ें बदल गई, पन्ने तो बदल गए बाहर की दुनिया के, लेकिन अंदर का कैलेंडर बदला ही नहीं। चूंकि आपने तिनका तिनका मध्य प्रदेश जो किताब लिखी उसमें आपने एक पिक्चर भी लगाई हुई है, वहाँ दीवार पर एक लिखा हुआ है, कुछ सूचनाएँ लिखी हुई है कि मनोरंजन सामग्री खिलौने टॉफ़ी बिस्किट उपलब्ध कराए जाते हैं। ये जेल की तरफ से वहाँ निर्देश लिखे गए हैं या सूचना लिखी गई है, उसमें लिखा गया है कि बच्चों को कपड़े चप्पल जूते मोजे दिए जाते हैं, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, चिकित्सक प्रतिदिन मेडिकल परीक्षण कर उपचार करते हैं, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, पाठशाला जेल के बाहर जेल परिसर में है, और चिड़ियाघर या बाजार मंदिर दर्शन के लिए बच्चों को ले जाया जा सकता है। इस तरह की चीजें वहाँ दीवारों पर संदेश के रूप में लिखी हुई है, सूचना के रूप में लिखी हुई है। क्या वहीं तक सीमित है ये चीजें? देखिए अंतिम हिस्से पे थोड़ा सा दिक्कत है। बहुत सी जेलें बच्चों को कहीं नहीं ले जाती हैं। एक राज्य में पिछले साल जब मैंने बार बार आग्रह किया कि क्या आप अपने बच्चों को कहीं ले जा सकते हैं, बहुत आग्रह के बाद एक बार वो बच्चों को एम्बुलेंस में ले गए और दूसरी बार जेल की गाड़ी में। और आप मुझे लगता है कि उनमें बैठकर जाना भी लोग तो पता नहीं किस नजर से देखते होंगे कि ये जेल की गाड़ी में बच्चे यहाँ घूमने आए हैं, क्योंकि जेल के पास अलग से कोई गाड़ी नहीं है। जेली कहती है कि हम इंतज़ाम कहाँ से करें, और मुझे लगता है कि क्या बाहर की दुनिया इतनी छोटी है कि जेल के अंदर बैठे हुए बच्चों के लिए कोई एक ऐसी गाड़ी का इंतज़ाम नहीं हो सकता कि बच्चे जाएं एक दिन चिड़ियाघर देखाएं। कितने बच्चे जिन्होंने आज तक तोता नहीं देखा, वो पहचानते ही नहीं कि तोता कैसा होता है, बिल्ली कैसे होती है, कबूतर होता कैसा है। उन्होंने बहुत सी चीज़ें देखी नहीं, उन्हें नहीं पता सड़क कैसे होती है, गाड़ी कैसे होती है, बस कैसे होती है, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया तो देखी नहीं। उनकी आंख तो जेल के अंदर खुली, और ये सारे अघोषित अपराधी हैं, कोई अपराध इनका नहीं है सिवाय इसके कि उनके माता या उनके पिता जेल के अंदर हैं। ये चीज़ें बहुत अंदर तक कचोटती हैं और बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इस बातचीत के बहुत सारे और आयाम हैं वर्तिका जी, जिन पर आपसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक अर्थ फिल्म आई थी, आपने भी देखी होगी, 1983 में ये फिल्म आई थी, और उसमें जगजीत जी ने एक गीत गाया था, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, बिल्कुल क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। सच में, सच में ये गमों की, दुखों, तकलीफों की, पीड़ाओं की एक लंबी फेहरिस्त और लंबी दास्तान सी लगती है ये बातें। लेकिन हम दरअसल चाहते हैं हम नकारात्मकता की तरफ ना जाएं। ठीक है, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, हमें उनमें से रास्ता निकालना है, जैसे कि आप कोशिश कर रही हैं। फिलहाल यही गीत हम इसी उम्मीद के साथ श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं। आइए सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं। जी Thank you.
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़ जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़ जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो।
एक मुलाकात कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम डॉक्टर वर्तिका नंदा से बात कर रहे हैं और डॉक्टर वर्तिका नंदा जो एक प्रख्यात जेल सुधारक के रूप में देश की तमाम जेलों की यात्राएं करती हैं, और दरअसल वर्तिका जी, आपको तो जो सर्वोच्च न्यायालय है देश का, उसने जो एक जेलों में मानवीय हालात हैं उनके अध्ययन के लिए जो उन्होंने एक पहल की थी, उसकी शुरुआत की थी, तो उसमें भी आपको शामिल किया हुआ है ताकि आप जाकर जेलों में मानवीय हालात को अध्ययन करें, उन्हें देखें परखें और उसकी रिपोर्ट जो है सबमिट करें। तो इस माध्यम से भी आपको जेल में जाने का मौका मिल जाता है, जेलों में जाती हैं आप, बल्कि आपका दायित्व बन गया आप तो। जी, मैं एक मौलिक शोध पर काम कर रही हूं। जी, मैं जितनी जेलों में जहां भी संभव है, जितनी भी मुझमें शक्ति है, मैं जाकर पूरी तरह से एक पत्र तैयार कर रही हूं, डॉक्यूमेंट तैयार कर रही हूं, जिसे मैं अगले साल भारत सरकार को सौंपना चाहूंगी। और जो मुझे लगता है हो सकता है, जहां संभावनाएं बनती हैं, जैसे अभी खेल के मैदान की बात हुई, लाइब्रेरी की बात हुई, उसी तरह महिलाओं और बच्चों को लेकर और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक गुजारिश की थी कि जो जेल के बच्चे हैं, क्या उनके लिए कुछ ऐसी इंतजाम हो कि हर 6 महीने में उन बच्चों की कुछ तस्वीरें ले जा सकें और बच्चों की माँ को दे दी जाए, किसी और को नहीं, बाहर की दुनिया को नहीं। क्योंकि मेरा मानना यह है, 6 साल बाद जब ये बच्चा बाहर निकलेगा और जब वो बड़ा होगा, वो कभी ना कभी सोचेगा कि मेरे बचपन की तस्वीर कहाँ है। वो तस्वीर तो गायब होगी, वो एल्बम का हिस्सा खाली होगा, उस बच्चे का तो कोई दोष नहीं है। क्या जेलें ऐसा सोच सकती हैं कि बच्चों की उनकी माओं के साथ बीच बीच में तस्वीरें हों? हम बाहर की दुनिया के लोग जब चाहें एक सेल्फी खींच लेते हैं, जेल के अंदर वैसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, कई तो बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका जन्म ही वहाँ हुआ हो। जी, बहुत से बच्चों का जन्म जेल के अंदर ही हुआ है। अच्छा। और कई महिलाएं जब वो गर्भवती थी तब वो जेल के अंदर आई थी। हाँ। तो बच्चे ने अपनी आंख पहली बार जेल में ही खोली और उसने रिश्ते वहीं पर देखे, उसने वही महिलाओं को देखा, उसी भाषा को सुना, इसी तरह उनकी जो सोच है, उनकी इमेजिनेशन जो है, वो भी बंद जाती है। उन्हें लगता है दुनिया उतनी ही है जितनी उन्हें सलाखों से दिख रही है, स्कूल उतना ही बड़ा है जो उन्हें जेल के अंदर दिख रहा है, सड़क उतनी ही लंबी होती है जितनी लंबी सड़क जेल के अंदर है, खाना भी सिर्फ वही होता है जो जेल में उन्हें परोसा जा रहा है। फिर तो उनके सपने भी वही होंगे जो जैसे आमतौर पर हम बाकी सामान्य तौर पर समाज में बच्चों को देखते हैं, कि अगर वो किसी अध्यापक को देखता है वो अध्यापक बनना चाहता है, पुलिस वालों को देखता है पुलिस वाला बनना चाहता है। जेलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या रह रहे हैं, उनके आसपास का जो माहौल है, फिर उनके सपने भी उसी तरह बनते होंगे। मैं आज तक जितने बच्चों से मिली हूँ, उनमें से हर बच्चे ने या तो ये कहा है कि वो जज बनना चाहता है या वो पुलिस वाला बनना चाहता है। ये दोनों चीजों से उसका सबका पड़ता है, रोज सबका पड़ता है। और ये बच्चे जब ये कहते हैं कि हम इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि जज साहब तारीख देते हैं, उन्हें लगता है तारीख कोई बहुत बड़ी चीज है, जो मिल जाएगी तो शायद जन्नत मिल जाएगी। और ये वो बच्चे जो मनोहार नहीं करते, जेल के बच्चों को झगड़ते हुए मैंने बहुत कम देखा, उन्हें मचलते हुए भी कम देखा, माँ से वो शिकायत ही नहीं करते, उनके शिकायतों का संसार बहुत पहले सूख जाता है। अच्छा, ये बताएं कि जो ऐसी कई माएँ हैं जो अपने बच्चों से शायद दूर रहती होंगी, मुझे दरअसल वो कविता याद आ रही है वर्तिका जी, जो कि इंदौर की जिला जेल में एक बंदी ने, जो जिनकी कविता आपने अपनी पुस्तक में छापी भी है, तिनका तिनका मध्य प्रदेश, दो चीज़ें जो आपने उनसे पूछी कि ऐसा क्या था जो ना हुआ होता और क्या है जो आप करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पति ने आत्महत्या ना की होती, मैं अपने बच्चों से दूर ना होती, मैं अपने बच्चों को माँ का प्यार दे पाती। और भविष्य की इच्छा उन्होंने ये बताई है, ज्योति जिनका नाम है, और आजीवन कारावास की उनको सजा भी मिली जी, है जी। कहती हैं कि बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी अपने परिवार और बच्चों के साथ बिताना चाहती हूँ, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है उसे मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। ये उनके अंतरतम की जो पीड़ा है जी। और भविष्य की जो इच्छा है वो इतनी तीव्र है कि सीधे दिल में उतरती है ये बात। तो ऐसे भी औरतें महिलाएं हैं जिनके बच्चे अलग हैं उनसे? जी, ज़्यादातर महिलाएं जब जेल के अंदर आती हैं, बच्चा बाहर होता है, तो धीरे धीरे वो अपने परिवार से ये कहती हैं कि बच्चे को जेल ना लाएं। वो खुद कहती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि बच्चा आए और ये देखे। छोटी उम्र का बच्चा है तो भी उसको अपने साथ नहीं रखती इसी वजह से? छोटा बच्चा तो अगर मजबूरी है तो साथ में रहता है, लेकिन अगर बड़ा बच्चा है जो साथ नहीं रह सकता और वो बाहर है, तो माँ को लगता है कि ये एक अलग संसार हो जाएगा, बाहर का बच्चा दूसरी दुनिया से आ रहा है और ये जेल का बच्चा तो इस दुनिया में है। अब ये दो दुनिया का मिलन एक साथ कैसे हो? तो वो अक्सर ये कहने लगती हैं कि एक बच्चा जो बाहर है वो ना आए तो बेहतर है। और आप देखिए कि सज़ा असल में किसी एक को नहीं होती, सज़ा तो पूरे के पूरे उस कुनबे हो जाती है। दरअसल सबसे ज़्यादा पीड़ा बच्चों को ही लेकर होती है। देखिए, मतलब जिस तरह से एक और उसी इंदौर की एक कैदी जिनकी कविता आपने उसमें शामिल की है, शहनाज बाबर जिनका नाम है,
उन्होंने भी अपनी जो भविष्य की इच्छा जो लिखी है, क्योंकि अब 32 साल की इनकी उम्र है, विचाराधीन है, अब मालूम नहीं कि कब से वो जेल में है, लेकिन पढ़ाई की नहीं और पढ़ाई का शौक तो है, लेकिन ज़िंदगी इतनी उथल पुथल में गुजर रही है कि इन चीज़ों से जोड़ नहीं पाए, लेकिन लिखती हैं कि मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ और मेहनत से कमा कर कुछ करना चाहती हूँ, अपने परिवार को खुश रखना चाहती हूँ, सिलाई सेंटर एक अपना खोलना चाहती हूँ, हर जगह घूम फिर कर, और ख़ासतौर पर महिलाएँ औरतें जो हैं, क्योंकि बच्चा तो उनके जिगर का टुकड़ा है, बिल्कुल, उससे अलग रहकर या वो चीज़ें किसी तरह से दुष्प्रभावित हो रहा है, ये बात उनको बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी, जेल में बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनका अपना कोई बच्चा नहीं है, या वो अविवाहित थीं, या वो विडो हैं, या किसी और परिस्थिति में, तो ये महिलाएं जेल के अंदर के बच्चों को अपने बच्चे की तरह पालने लगती हैं, वो उनकी परवरिश करने लगती हैं, उस क्रेश को चलाने लगती हैं, जेल के बच्चों को पढ़ाने लगती हैं, वो भी एक दुनिया है। इसके अलावा ये भी है कि जो जेल की औरतें हैं वो धीरे धीरे ये भी समझने लगती हैं कि उन्हें अपने अंदर की इसी परिवेश में अब रिश्तों को बनाना है। जेल के बच्चा भी अंदर ही सबको चाची और ताई और माँ और नानी बोलने लगता है, उसे लगता है यही उसके रिश्ते हैं। और जो जेल की औरतें हैं धीरे धीरे नॉन जजमेंटल हो जाती हैं, ये सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे होती है देखकर। जेल नॉन जजमेंटल मतलब? जैसे जेल के बाहर की दुनिया एक दूसरे पर अक्सर जो टिप्पणी करती है, जेल के अंदर की दुनिया एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं करती, वो एक दूसरे के अपराध की बात भी नहीं करना पसंद करती, वो एक दूसरे को आत्मसात कर लेती है, वो सबको आपस में लेकर चलना सीख लेती है। रसोई में जब खाना बनता है तो कोई धर्म की बात नहीं होती, कोई जाति संप्रदाय किसी की बात नहीं होती, बैरक में सब महिलाएं एक साथ सोती हैं, बच्चा चाहे किसी का वो का भी हो वो आपस में सीने से लिपटा लेती हैं। कितनी महिलाओं को मैंने देखा जिनका अपना बच्चा नहीं है, उन्हें दूसरे बच्चों में अपनी पूरी दुनिया देखने लगती है। तो ये जो आत्मसात करने की प्रवृत्ति है वो जेल के अंदर कमाल की है। वहाँ सभी एक नाव में सवार हैं, एक दूसरे की संवेदनाओं के साथ गहरे से जुड़े हुए हैं, शायद इसीलिए इस बात को बखूबी समझते हैं कि एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने का ये उसकी जगह नहीं है। ये बातचीत का इतना कुछ जो मोड़ है वो इस तरह का है कि मुझे लगता है कि हमें थोड़ी देर के लिए ज़रूर रुक जाना चाहिए, क्योंकि हम खुद कई बार भावावेश में बहने लगते हैं और ये मुश्किल हो जाता है कि आगे की बात हम कैसे करें। इसीलिए मैं सोचता हूँ एक गीत का सहारा ले लेते हैं। वर्तिका जी, दोस्ती फिल्म का ये गीत है, याद आ रहा है मुझे, जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो इधर, मैं भी इंसान हूँ तुम्हारी तरह। ये एक शायद कहीं ना कहीं उन्हीं संवेदनाओं को और उनकी ही भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहा हो इस संदर्भ में, जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत है, आइए सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ। मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ इस जहाँ के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मन के अंदर
बिछड़ी किरण, फिर रहा हूँ भटकता मैं यहाँ से वहाँ, और परेशान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा मेरे पास आओ, छोड़ो ये सारा भरम, मेरे पास आओ छोड़ो ये सारा भरम, जो मेरा दुख वही है तुम्हारा विगम, है तुम्हारा विगम, देखता हूँ तुम्हें जानता हूँ तुम्हें, लाख अनजान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा श्रोताओं। डॉक्टर वर्तिका नंदा से आज एक मुलाकात कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत बहुत ही एक ऐसा मुद्दा जो बहुत गहरे संवेदनाओं से जुड़ा है, जो मानवीय जो हालात होते हैं जेलों में, उसमें जीवन किस तरह आगे बढ़ता है, और उसमें बचपन से लेकर बूढ़े तक, मुझे लगता है कि बहुत सारी जेलों में मैं देख रहा था कि काफ़ी बड़ी संख्या ऐसी कैदियों की भी है वर्तिका जी, जो 80 वर्ष से भी ऊपर की उम्र है उनकी, और इस तरह के कैदी आखिर उनको उन जेलों के बीच में रखा गया, जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है वो तो होनी है पूरी, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि चूंकि जेल सुधार को लेकर थोड़ी कोशिश सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जो हुई, जिसकी कमेटी के आप मेंबर भी हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य था? जस्टिस मदन बी लोकुर इस बेंच के तहत उन्होंने ये कोशिश की थी कि जेलों में क्या सुधार हो, उसके लिए तमाम राज्य अपने अपने सुझाव दें। तो गौरव अग्रवाल इसके एमिकस क्यूरी थे और उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा और कई एक सुझाव मैंने दिए, और उनमें से ज्यादातर सुझाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें स्वीकार भी किया और उन्हें दिशा निर्देश के तौर पर भारत की जेलों को वो गया। और ये देखना अपने आप में थोड़ा सुखद भी था कि कुछ जेलें वाकई काम की दिशा में बढ़ी, लेकिन ज्यादातर जगहों पे ज्यादा काम नहीं हो पाया, क्योंकि असल में एक लंबी प्रक्रिया है, और जेल का क्या संबंध सिर्फ इस बात से नहीं कि वहाँ ओवरक्राउडिंग है, एक और बात भी है कि हमें नई जेलों की जरूरत है, हमें ओपन जेल्स की जरूरत है, सेमी ओपन जेल्स की भी जरूरत है। इसी तरह जैसे मुझे ऐसे लगता है जब जेलों को डिजाइन किया गया, जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने हमेशा पुरुषों को ध्यान में रखकर ही जेल का डिजाइन किया, तो मैंने ये एक सुझाव दिया था कि जो महिला बैरक बने, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें डिजाइन जो है कोई महिला आर्किटेक्ट करे, ताकि महिला और बच्चों के हिसाब से भी उन्हें बनाया जा सके, प्रिवेसी के हिसाब से भी ध्यान में रखा जा सके। इसी तरह ओपन जेल्स की बात है जी। अब भारत भर में करीब 70 ओपन जेल्स हैं, उससे ज्यादा ही हैं, और करीब करीब 4 ओपन जेल्स हैं महिलाओं के लिए, हमें उससे ज्यादा की जरूरत है। अच्छा, जो ओपन जेल की बात आप कर रही हैं, ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ओपन जेल एक ऐसी जगह है जहाँ की सजा के अंतिम दौर में जिन बंदियों के बारे में जेल प्रशासन समझता है कि इन्हें वहाँ भेजा जा सकता है, तो वो अपने परिवार के साथ वहाँ पर रह सकते हैं, परिवार वहाँ पूरा दिन रहेगा, और जो बंदी है वो चाहे बाहर जाके कोई भी काम करे और लौट कर फिर शाम में वापस आ जाए। इसका मतलब ये है कि अंतिम सजा के समय वो समाज से खुलने मिलने लगे, क्योंकि वो समाज से कटा था एक लंबे समय तक, अब उसे उसी समाज में लौटना है, और अगर परिवार उसके साथ होगा तो उसके लिए लौटना आसान होगा,
और वो रोज बाहर की दुनिया को देखेगा, उस चार दीवारी को पार करेगा और फिर लौट कर आएगा। तो इसमें औरतों को ना भेजने की वजह क्या हो सकती है? ऐसा क्या है कि और मतलब पुरुषों को, पुरुष कैदियों को भेजा जा सकता है, औरतें नहीं जा सकती? देखिए अभी जैसे यरबदा में है, तिरुवनंतपुरम में, और राजस्थान में दो ओपन जेल्स हैं महिलाओं के लिए, बाकी जगहों में अपनी अपनी वजहें हैं। लेकिन आप देखिए कि हम ओपन जेल्स के मामले में बहुत कोशिश करके भी पीछे हैं। स्विट्जरलैंड में पहली ओपन जेल जो बनी थी वो 1891 में बनी थी, भारत में पहली ओपन जेल 1905 में बनी, और तब से लेकर अब तक भी हम अभी 100 के आंकड़े को पार नहीं कर पाए हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो एक रिहैबिलिटेशन के मामले में हम एक लंबा पायदान तय कर लेंगे, वो किए जाने की जरूरत है। अच्छा, वहाँ जो जेलों में पाठशालाएं होती हैं और वहाँ नियमित रूप से पढ़ाई होती है बच्चों की? होती है, लेकिन देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट और कई एक ऐसी कमेटियों की दबाव की वजह से ये हुआ कि जेलों में अब ये कंपलसरी हो गया कि क्रश होनी चाहिए। अच्छा। और हर जेल में तकरीबन जहाँ मैंने देखा है, आम तौर पर सुबह बच्चों को तैयार किया जाता है, उन्हें स्कूल की यूनिफॉर्म भी पहनाई जाती है और उन्हें सामने एक छोटे से कमरे में भेजा जाता है। यहाँ तक तो अक्सर होता है, लेकिन उसके बाद की सुविधाएं अक्सर नदारद होती हैं, जैसे कि काउंसलर नहीं रहेगा। जेल के बच्चों के लिए अलग काउंसलर की जरूरत बहुत ज़्यादा है, उन्हें पढ़ाने वालों के लिए बहुत ज़रूरत है, उन्हें फल की ज़रूरत है, उन्हें अलग तरह के नरिशमेंट की ज़रूरत है, वो ज़रा सा हम उसमें पीछे हैं। अच्छा, कोई एडल्ट एजुकेशन की अगर हम बात करें, मान लीजिए बहुत सारे जो वयस्क हैं वो पढ़ना चाहते हैं, जो अशिक्षित हैं कम से कम वो साक्षर होना चाहते हैं मान लीजिए, इसका भी प्रावधान है कुछ? जी, बड़ी जिलों में तो खासतौर पर अच्छा प्रावधान अब होने लगा है। इग्नू ने एक बहुत अच्छा काम उस पर किया है। अभी परसों मुझे एक महिला मिली, उसने बड़ा मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि मैं जब जेल में आई तो 12वीं पास थी, अब तो मैंने बीए कर ली, अब एमए करूंगी दीदी। अच्छा। मुझे इतनी खुशी हुई। लेकिन यहाँ जो एक और कमी है कि पढ़ने के साथ साथ उन्हें वोकेशनल स्किल्स भी नए तरह के मिले। जैसे मैंने एक सलाह ये दी थी कि हम ये देखें कि जेलों में पिछले 5 सालों में कितने नए स्किल आए, हमने जो स्किल्स रखे थे 5 साल पहले, क्या उनमें बदलाव की जरूरत है? मैं ये मानती हूँ जब बाहर की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है तो जेल की दुनिया क्यों ना बदले तेजी से, वहाँ भी बदलाव की जरूरत है। इन लोगों ने लौटकर जेल से इसी समाज में आना है, हम उन्हें क्यों ना इक्विप करें नई चीज़ों से, उन्हें पढ़ने दें, उन्हें सीखने दें, जब वो पश्चाताप का उनका समय है उन्हें ये भी तो मौका दें कि वो नई चीज़ों को सीख पाएं, ताकि जब वो बाहर आएं तो उन्हें ये ना लगे कि किसी और संसार में आ गए। आप बात कर रहे थे कि खेलों की व्यवस्था हो, खेलों के लिए संसाधन या सामान उपलब्ध कराए जाएं, किताबें लाइब्रेरी वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएं, खासतौर पर औरतों की बैरक्स में जहाँ पर नहीं है। अब अगर कोई बाहर से जो सामान्य कोई हम नागरिक है वो देना चाहे, मान लीजिए वहाँ डोनेट करना चाहे, तो वो किस तरह से कर सकता है? देखिए, कोई भी इंसान अपने घर के आसपास किसी भी जेल में 5 किताबें भी कभी भी भिजवा दें तो बड़ी बात है। नहीं तो क्या कोई भी सीधे वहां जाकर दे सकता है, वो लेंगे उसको? अगर कोई मुश्किल हो तो वो मुझे भी लिख सकते हैं, मेरी ईमेल पर मुझे एक वो चिट्ठी लिख दें कि हम ये किताबें देना चाहेंगे, ये किताबों की सूची हम पहुंचाना चाहेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैं कई लाइब्रेरीज में जाकर देखती हूँ, वो पुरानी उस समय की किताबें हैं जो संसारी बदल चुका है जी, और वो पढ़ना चाहते हैं। मैं मॉरिशियस गई, मैंने वहाँ की जेल को जाकर देखा, मैं हैरान हो गई कि महिला जेल में इतनी सुंदर लाइब्रेरी थी जिसमें हर तरह की पत्र पत्रिकाएं थी, वो जब चाहे पढ़ सकती हैं, और अलग अलग भाषाओं की थी। हमारी भी तो लाइब्रेरी समृद्ध हो सकती है। जो आपके तिनका तिनका फाउंडेशन है उस पर आपके तमाम जानकारी, आपसे संपर्क करने का चाहे वो ईमेल हो या नंबर, वो सब उस पर दिया हुआ है। उस पर तो सब कुछ उसके माध्यम से वो संपर्क कर सकते हैं, ईमेल करके आपको बता सकते हैं और आप उनको मार्गदर्शन उनको दे देंगे। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ एक खेल के सामान की भी आपने बात की थी, क्या वो भी आप चाहती हैं कि लोग दें, क्योंकि वहाँ भी उस तरह की उपलब्धता उस रूप में नहीं है जेलों में? मैं बिल्कुल चाहती हूँ। देखिए, हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम किसी और को दे सकते हैं, तो चाहे वो एक गेंद हो, चाहे वो एक बास्केटबॉल हो या एक बैडमिंटन हो, ये छोटी छोटी कोशिशें बहुत बड़ा काम कर देंगी। इसके अलावा वर्तिका जी, आपने जिस तरह से आगरा की जेल को आपने बहुत फोकस किया है, वहाँ आप बहुत फ्रिक्वेंट विजिट करती हैं मुझे मालूम है, वहाँ के लिए क्या कुछ विशेष करने की कोशिश कर रही हैं आप? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक शिक्षक भी हूँ और मीडिया को करीब से देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कहूँ और जो लिखूँ उसे करूँ भी, तो इसलिए मैं अगर एक शोध पर काम कर रही हूँ तो मैं साथ में कोशिश कर रही हूँ कि कुछ कदम चल के उसको मैं साकार रूप दूँ। आगरा की जो जिला जेल है वो भारत की सबसे पुरानी जेल है। अच्छा। मुगलों के समय में बनी थी 1741 में, और मुगल बादशाह ने बनाई थी, वो एक सराय थी। अब मैं इस जेल में चाहती हूँ कि एक इसमें कुछ हम बदलाव लाएं, जैसे कि महिला जेल में खेलने का मैदान हो, महिला जेल में एक लाइब्रेरी हो, और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि वहाँ पर एक रेडियो भी होगा। अच्छा। और इस पर मैं अब कोशिश करूंगी अगले 10 महीने तक आगरा की इस जिला जेल में जो भी बेहतरीन हो सके वो हम करें,
ताकि लोग ये भी जानें कि जेलें भी लिख सकती हैं, जेलें भी रच सकती हैं। और इस साल जब हम तिनका तिनका अवार्ड्स की घोषणा करेंगे तो आगरा की जेल की एक विशेष महत्ता होगी। मुझे हमेशा लगा कि ताजमहल को देखने सब जाते हैं, जेल को देखने तो कोई नहीं जाता। मैं जितनी बार जाऊंगी इस जेल को देखती रहूंगी बार बार, इसलिए कि मुझे लगता है कि जेल के अंदर का जो एक समाज है उसने उसके अंदर गढ़ने की क्षमता है। पुरातत्व विभाग ने जेल के ऊपरी हिस्से को ले रखा है। अच्छा। क्योंकि उसका एक महत्व है। जेल के अंदर एक पुरानी सी रिकॉर्ड रूम है। उस रिकॉर्ड रूम में इतनी पुरानी किताबें और इतने पुराने रजिस्टर थे। इस बार पलटते हुए देखा कि एक रजिस्टर में 1902 का जिक्र था और वहाँ किसी का नाम के साथ लिखा था कि अब इन्हें अंडमान भेजा जा रहा है। आप देखिए कि उर्दू में लिखा हुआ कलम और दवात से क्या नहीं है इन जेलों के पास। एक इतिहास है। इन जेलों ने देखा कि जब लोग आज़ादी की मुहिम चला रहे थे, जेल के अंदर रह रहे थे, उन्होंने जेल के अंदर से बहुत कुछ रच दिया। तो अभी जो जेल के अंदर लोग हैं वो इस आज़ाद भारत में भी बहुत कुछ रच सकते हैं, बस विश्वास करने की। जी जी, मैं थोड़ा सा इससे अलग हटके क्योंकि फिर लौट कर आऊँगा, लेकिन आपने वहाँ उस दौर की बात की जब देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। बहुत सारे हमारे बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे नेता भी या ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जेलों में बंद रहे और वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ रचा है। क्या आज की तारीख में जेलों में और वहाँ के माहौल में कोई व्यक्ति कुछ लिखना चाहे, अपने संस्मरण लिखना चाहे या किताब छपवाना चाहे, उपन्यास, कहानी, कुछ भी, इन चीज़ों का वहाँ पर व्यवस्था या सुविधा उपलब्ध है? देखिए, इतनी सुविधा है कि वो कुछ लिख सकते हैं। उन्हें कलम मिल जाती है या कुछ कागज़ के पन्ने मिल जाते हैं, और कुछ जेलों में शायद थोड़ा ज़्यादा लिखने की सुविधा मिल जाती है, और ये लोग लिखते हैं। जैसे मैं तो हर साल देखती हूँ, हम लोग जब तिनका तिनका अवार्ड्स देते हैं जी, तो मैं तो ताजुब से भर जाती हूँ। जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनमें से एक हिस्सा तो लेखन का भी है और एक हिस्सा ये भी है कि जेल के अंदर रहती हुई बंदी जो जेल के लिए कुछ नया कर रहे हैं। जैसे मुझे तो बार बार याद आती है वो सुंदरा जो लखनऊ की जेल में है, और उसने जेल के एक बंजर ज़मीन को ऐसा हरियाली से भर दिया कि पूरी जेल की सब्जी उस सुंदरा के बगीचे पर निर्भर करती है। अच्छा। उसी तरह बिलासपुर में एक महिला है, वो नर्स थी, और अब वो जेल में जब आई है तो वो बाकी महिला बंदियों की सेवा करती है। एक और महिला बंदी है जो लॉयर थी, और जेल के अंदर जाके उसने 14 महिलाओं की इस तरह से उनकी पैरवी की, उनके लिए लिखा कि वो 14 महिलाएँ रिहा हो गईं। तो ये महिलाएँ जेल के अंदर और पुरुष भी जेल के अंदर की जो पूरे समाज को विकसित करने में, मदद करने में बड़ा योगदान कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ बाहर की दुनिया सिर्फ इतना ही कर दे कि उन पर टीका टिप्पणी ना करे, और जब वो लौटें उनके लिए खुली बाहों से उनको आने दें। इस तरह का मुझे लगता है कि जब ये आप जेल वाणी या जेल में रेडियो की शुरुआत की बात जो कर रही हैं, आगरा से करने जा रही हैं, उसमें भी कुछ ऐसी बात होगी कि वे अपनी बात अपने लोगों तक, यानी जेल के अपने जो साथी कैदी हैं उन तक पहुँचा पाएंगे। देखिए, इसका जो हमने बनाया है एक रूपरेखा, हाँ, बड़ी अनोखी बनाई है। कैसे? और मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए। जी, बताइए। बहुत ज़्यादा। तो अभी इतना ही बताने लायक है कि इसको जब हम शुरू करेंगे तो सिर्फ महिला और पुरुष ही नहीं, जेल के बच्चे भी इसका हिस्सा बनेंगे। अच्छा। उन सबको हम जोड़ देंगे और हम उनकी आवाज़ उन तक रोज़ पहुँचाएंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं जेल की आवाज़ों को भी अब जोड़ूँ, और ये आवाज़ों को जोड़ने की कोशिश है जहाँ उनकी अपनी अनुभूतियाँ बाहर आएंगी, वो अपनी बात अपने आप से कहेंगे, अपने आप सुनेंगे, और वो अपने अंदर एक संचार का जो ज़रूरत है, जो भूख है, वो जेल के अंदर उसी तरह से पूरी होगी। ये बड़ी एक अनूठी कोशिश है और मुझे लगता है कि दरअसल मेरे तो ये कह सकती हैं आपकी, मैं इस बारे में ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं थी। मैं सोचता था कि रेडियो जैसी चीज़ और ख़ासतौर पर हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम और प्रसारण इस तरह की सकारात्मक सोच और सकारात्मक दिशा की तरफ लेकर जाते हैं, शायद वो हमारे जो कार्यक्रम हैं वो निश्चित रूप से उनके लिए लाभदायी हो सकते हैं। मैं सोचता था कि शायद वहाँ तक पहुँचते होंगे, लेकिन चूंकि उन चार दीवारियों में उन सीखचों के पीछे शायद इस बात की इजाज़त नहीं है कि किसी भी तरह का माध्यम उन तक पहुँचे, लेकिन ये जो आपकी रेडियो है उसकी वाणी जो है उन्हीं की वाणी होगी और उन्हीं के दिल तक पहुंचेगी। जी जी जी, वो खुद करेंगे। जेल की अभी देश के कुछ एक जेलों में इस तरह के कुछ एक प्रयोग हुए, लेकिन वो प्रयोग बड़े सीमित हैं। जैसे कुछ में कुछ एक धार्मिक प्रवचन चलेंगे, हाँ, या कुछ में कुछ ऐसा होगा जो जेल की अनाउंसमेंट होगी। असल में एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है, तो अभी जैसे यूपी की जेलों को 25 पब्लिक एड्रेस सिस्टम मिले, ऐसे ही कई और जेलों को सिस्टम ऐसा मिलता है ताकि वो कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ, और कुछ जगहों पे उन्हें एक स्थानीय रेडियो के तौर पर परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से मान लीजिए कम्युनिटी रेडियो एक सीमित दायरे में चलता है, बिल्कुल बिल्कुल लगभग उसी तरह का। बिल्कुल, लेकिन हम जो करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो ऐसा रेडियो हो जो बाहर के रेडियो से भी कम ना हो, बल्कि उससे कहीं शायद बेहतर हो जाए। मेरा ख्याल है आप स्पेन जा रही हैं हाल में।
तो क्या स्पेन जाने के पीछे भी कुछ ऐसा ही उद्देश्य है? मैं स्पेन में जेल पर ही एक शोध पत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मेरी ये जिद है कि मैं वहाँ पर जो कहूँ उससे पहले मैं उसे करके जाऊँ, और इसीलिए मैं इसी महीने में कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो तमाम चीज़ें मैं कर दूँ जो मैं पन्नों पर लिखने जा रही हूँ। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस समय जेल के अंदर का जो माहौल है, सब मिलकर वो कला की दुनिया को समेट रहे हैं। हम जैसे उसमें एक छोटा सा सेगमेंट रख रहे हैं जेल के कलाकार, अब वो जेल के कलाकार अपनी बात कहेंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि एकदम सीमित संसाधनों में ये काम होगा। वहाँ कोई संसाधन नहीं है, एक मामूली टेबल है, उसके ऊपर एक मामूली कपड़ा है और दो कुर्सियाँ हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, कोई कमर्शियल दुनिया नहीं है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो वहाँ आकर हमें ट्रेन करेगा, उनको कुछ बताएगा। वो मिलजुल कर वो दुनिया अपने आप से तैयार करेगी, और आप सोचिए कि वो कितना शुद्ध होगा। उस शुद्धता के बीच में हम जब इस रेडियो का प्रसारण करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उसकी आवाज़ में एक अलग तरह की रोशनी होगी। वर्तिका जी, जब मैं अभी जस्ट आपकी बात सुनते हुए मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि चूंकि वहाँ बाहर के हमारे प्रसारण वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, उन तक गीत नहीं पहुँचते होंगे, उन तक संगीत हमारा नहीं पहुँचता है, और जो गीतों में और हमारे संगीत में जो संवेदनाएं हैं उनसे भी शायद वो अछूते रह जाते हैं। गीत संगीत उन्हें अक्सर मिल जाता है, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ डाउनलोड कर लिया जाता है। अच्छा। जो जेल मुख्यालय है वहाँ अगर डाउनलोड हो गया एक पेन ड्राइव में, फिर जेल तक आया और वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम में लगा दिया गया, तो वो जो 2 से 3 बजे का समय होता है जब बैरक बंद हो रही होती है, जब वो खाने के बाद अंदर चले जाते हैं बैरक के, उस समय कई बार वो संगीत चल जाता है। लेकिन जेलों को ये सुविधा नहीं होती कि जब चाहें जो भी चाहें जिस तरह का गाना वो सुन लें। अगर एक बार 15 गाने आए तो हो सकता है वो 15 गाने बहुत लंबे समय तक चलते रहें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जेलें अपने गाने अब खुद बनाने लगें, या वो उन गानों को गुनगुनाने लगें जो उन्हें याद हैं, ताकि जब वो उसको इतना वो समृद्ध बना दें कि ऐसा लगे कि जेल एक ऐसी समृद्ध जगह है जिसके पास ये शक्ति है कि वो नए सिरे से कुछ चीज़ों को गढ़ दे। निश्चित रूप से दरअसल उद्देश्य भी यही होना चाहिए और यही है भी कि वहाँ जाकर अगर वो एक बेहतर इंसान बनकर निकल सकें, जो उनसे भूली हुई, जो उनसे गलतियाँ हुई, जो उनसे अपराध हुए, वो उसकी अपने ऊपर छाया से बिल्कुल अलग कर ले अपने आप को और एक बिल्कुल अलग इंसान, नया इंसान बनकर वहाँ से निकले, जिसके लिए ये सारी चीज़ें, चाहे वो अध्ययन हो, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो गीत संगीत हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और आप जो चाहती हैं, हमें विश्वास है कि जिस रूप में आप चाह रही हैं, जिस पैशन के साथ आप, जुनून के साथ आप काम करती हैं, ज़रूर ये धीरे धीरे ये लक्ष्य सारे हासिल होंगे। आपसे बातचीत करने का उद्देश्य भी यही है कि आप चलें एकला चलो रे के साथ, उद्देश्य के साथ, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ें और इस उद्देश्य में अपना सहयोग ज़रूर दें। फिलहाल अभी के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए डॉक्टर वर्तिका नंदा, आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार, मुझे बहुत खुशी हुई सबसे बात करके। श्रोताओं, डॉक्टर वर्तिका नंदा से जो बातचीत आपने सुनी है, बहुत चीज़ें हैं जो आपको कचोटेंगी, बहुत सारी बातें हैं जो आपके मन को शायद कहीं पीड़ा दें, लेकिन बात यह है कि अगर आपके अंदर कोई पीड़ा का भाव जागेगा तो आप खुद ब खुद एक अपने अंदर ये ऊर्जा भी महसूस करेंगे कि नहीं, आपको भी कुछ इस बारे में करना है। दरअसल आशाएं जिंदगी में हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। मुझे डॉक्टर वर्तिका नंदा की ही एक पुस्तक है तिनका तिनका डासना, और उसमें रामकुमार गौतम वहाँ बैरक संख्या 5 में डासना जेल में जो रहते, उन्होंने एक कविता लिखी, और उसी कविता के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ, क्योंकि उस कविता में जो भावनाएँ हैं वो हमारे शब्दों से कहीं ज़्यादा, कहीं गहरी हैं। वो लिखते हैं और शीर्षक उसका दिया है पराजित नहीं हुआ हूँ अभी। लिखते हैं, माँ पराजित नहीं हुआ हूँ अभी, हताश नहीं हूं, कुछ तनहा तनहा सा मगर उदास नहीं हूं। ये माना कि उलझा लिया वक्त के उलझनों ने, ये माना कि उलझा लिया वक्त ने उलझनों में, सुलझा दूंगा इनको भी एक दिन, निराश नहीं हूं। ऐ मां तू यूं ना भिगो अपना आंचल आंसुओं से, ये बिल्कुल ना समझ कि मैं तेरे पास नहीं हूं। मां रोज ओढ़कर सोता हूं तेरे स्नेह का आंचल, क्यों ये सोचकर गुमसुम है कि तेरे साथ नहीं हूं। मैं लौट कर आऊंगा एक दिन, ये उम्मीद रखना, जो पूरी ना हो सके मैं ऐसी कोई आस नहीं हूं। पलट दूंगा इस वक्त को, बदल जाएगा मौसम, सुन मां तेरा बेटा हूं, कोई जिंदा लाश नहीं हूं। मां पराजित नहीं हुआ हूं अभी, हताश नहीं हूं, हूं कुछ तन्हा तन्हा सा मगर उदास नहीं हूं।